हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान पुण्य विथ एस के। आज हम लोग दिलीप कुमार जी के बारे में जानेंगे। आज उनका सुबह में ही डेथ हो गया, तो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जानेंगे जो कि परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। दिलीप कुमार जी का जो जन्म था वो 11 दिसंबर 1922 में पाकिस्तान में हुआ था, पेशावर पाकिस्तान में हुआ था। दिलीप कुमार जी का अन्य नाम जो था, जो बचपन का नाम था, जो नाम रखा हुआ था वो था मोहम्मद यूसुफ खान। दिलीप कुमार जी का जो बचपन का नाम रखा हुआ था वो मोहम्मद यूसुफ खान था। उनकी मृत्यु जुलाई 2021 को हो गई। पिता का नाम लाल गुलाम सरवर था। माता का नाम आयशा बेगम था। पत्नी का नाम सायरा बानो आसमा रहमान था। उनकी दो पत्नियाँ थी, सायरा बानो और आसमा रहमान। इम्पोर्टेंट पुस्तकें देख लेते हैं जो कि परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। उनकी जो बायोग्राफी थी वो थी द सबस्टेंस एंड द शैडो। उनकी बायोग्राफी क्या थी? द सबस्टेंस एंड द शैडो। और फिर उनकी दो पुस्तकें और हैं, वजूद और परछाई तथा शिखर और सुमन। दो पुस्तकें हैं, वजूद और परछाई तथा जो पहली फिल्म थी वो थी ज्वारभाटा, जो कि 1944 में रिलीज हुई। दिलीप कुमार की अंतिम फिल्म थी किला, जो कि 1998 में रिलीज हुई। दिलीप कुमार जी की कुछ उपलब्धियाँ देख लेते हैं। उनको 1991 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला था और 1993 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 1994 में दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था तथा 1998 में उनको पाकिस्तान सरकार के द्वारा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशाने पाकिस्तान से सम्मानित किया गया था। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो दिलीप कुमार जी के बारे में हैं और ये परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स।